कर दिया कमाल। लगभग आज के दिन 26,216 अंक चढ़ा है, मतलब आज के दिन 211 पॉइंट की तेजी देखने को मिली गाइस। बट हाई बड़ा अच्छा क्रिएट किया है, 26,250 का 90 पैसे का इसका हाई था, वही इसका 52 वीक हाई भी बन गया है गाइस। आपको पता है मतलब लाइक आज के दिन ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि 26,100 तक तो ये चला ही जाएगा जिस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा था। बहुत बार बीच में या कंसोलिडेशन जोन में भी रहा, लगभग 12 बजे के बाद से आप कह सकते हो, 12 बजे के बाद से लगभग आप ये कह लीजिए यहाँ पर 3 बजे के आसपास से कंसोलिडेशन में जोन मिला, उसके बाद आई इसके अंदर जो रफ्तार, तो क्या ही कहने गाइस इसके। लगभग अगर आप देखोगे एक साल में 33% तक चढ़ चुका है निफ्टी 50। फिलहाल गाइस एक स्टॉक और है RBNL, उस पर उससे रिलेटेड खबर ये निकल कर आ रही। फिलहाल तो आज के दिन इसमें 0.98% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। तो गाइस एक्चुअल में क्या है, आपको ये चीज़ पता होगी कि निफ्टी ने 26,000 का जो लेवल है, मतलब 26,250 तक का लेवल क्रॉस कर लिया। यह बहुत इतने हायर हाई जोन में चलता ही जा रहा है। एक्चुअल में क्या है कि RBNL में 21st वार्षिक, मतलब AGM बैठक जो होती है, वार्षिक आम बैठक आयोजित करेगा इस सप्ताह। यह बैठक वर्चुअली या अन्य ऑडियो वीडियो के माध्यम से आयोजित की जाएगी। आपको पता है वर्चुअली कैसे होते हैं, ऑन वीडियो उसको वर्चुअली बोला जाता है, फिजिकली तो बंदा अवेलेबल होता है। RBNL रेल मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न CPSE है, सरकारी कंपनी देश में विभिन्न रेल प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में लगी हुई है, मतलब उसके कार्य में लगी हुई, उसके काम में लगी हुई, ये चीज आप लोगों को पता है। RBNL वंदे भारत से जुड़ा हुआ स्टॉक है। PSU कंपनी ने PSU कंपनी ने SPV काइनेट रेलवे सॉल्यूशंस लिमिटेड के निर्माण के लिए रूस के TMH और लोकोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ एक शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट पर साइन करे हैं। SPV वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट के निर्माण और जो सप्लाई और मेंटेनेंस का काम देखेगी, ये चीज़ बता दूं, आप देख सकते हो इससे रिलेटेड कि ये खबर निकल कर आ रही है। देखिए आप यहाँ पर आप चीज़ें चेक कर सकते हो, यहाँ पर समेत रेलवे स्टॉक्स, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं डिविडेंड से रिलेटेड, मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करने वाली हूँ इनकी। गाइस देखिए 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारतीय रेलवे के लिए 120 ट्रेन सेट या 1920 वंदे भारत स्लीपर कोच की सप्लाई करेगी। ठीक है, ये बात की जा रही है कौन करेगी, अमेरिकी डॉलर के तौर पे। मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में जो RBNL है वंदे भारत से जुड़ा हुआ एक स्टॉक है, नीचे आपको पता है, एंड ये PSU कंपनी है, इसने SPV के साथ जो एक समझौता साइन किया है, जो काइनेट रेलवे सॉल्यूशन लिमिटेड है ना, उसके साथ जो रूस की TMH है, जो रूस की TMH और लोकोमोटिव कंपनी है उनके साथ, ठीक है, वो हमें लगभग 6.5 बिलियन डॉलर के तहत भारतीय रेलवे के लिए 120 ट्रेन सेट या 1920 वंदे भारत स्लीपर कोच हमें सप्लाई करेगी। RBNL के सदस्यों की 21st वार्षिक बैठक आम बैठक होगी, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के फाइनल डिविडेंड के भुगतान की डेट कई कार्य में संपन्न होगी, ये चीज बता दूं आप लोगों को। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि रेल विकास निगम के सदस्यों की जो 21st वाली जो बैठक है उसमें क्या है, एक्चुअल में वो होने वाली है 30 सितंबर को। कब? 30 सितंबर को 2024। 30 सितंबर मतलब अभी आने वाले कमिंग 30 सितंबर सोमवार को होने वाली है, सुबह 11:30 बजे की बैठक होगी, ठीक है। एंड इसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखी जाएगी, अन्य ऑडियो वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई है मीटिंग। 30 अगस्त को नियमित फाइलिंग में RBNL ने कहा था कि वार्षिक आम बैठक के समापन से 30 दिनों के भीतर डिविडेंड का भुगतान किया जाएगा। बट पिछले एक सप्ताह और दो सप्ताह में RBNL के शेयरों में अगर देखोगे, लगभग पिछले 5 दिन से देख लो कितनी मतलब तेजी तो आई है, लगभग 6% चढ़ा, उसके बाद यहाँ पर देखो लगभग 4.5% तक की गिरावट देखने को मिलती है। मोटा मोटा कितने पॉइंट अगर आप देखोगे, आप ये देखिए 24 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिलती है। एंड लगभग 6 महीने में इसने 100% तक का रिटर्न दिया है, और साल भर में देखोगे तो 186 मतलब 200% तक का, साल भर एक साल में 212% तक का, 5 साल में आप देखोगे 1963% तक का रिटर्न दिया। देखिए पिछले एक साल
2 साल 3 साल 5 साल में वंदे भारत स्लीपर से जुड़े स्टॉक ने काफी अच्छे रिटर्न बना कर दिए। मैक्सिमम देख लो 2500% तक रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो गाइस इस साल आरबीआई एनुअल ने 20 सितंबर को एक्स डेट के साथ 2 रुपए 11 पैसे का डिविडेंड घोषित किया। पिछले साल रेलवे कंपनी ने अप्रैल में 1 रुपए 77 पैसे और सितंबर में 0.36 रुपए का लाभांश भी दिया था। ठीक है, वहीं साल 2022 में कंपनी ने मार्च और सितंबर में रिस्पेक्टिवली 1 रुपए 58 पैसे और 25 पैसे का लाभांश घोषित किया था। मतलब जिसका ये आप कह लीजिए आरबीआई एनुअल का डिविडेंड यील्ड 0.41% है। कितना है? 0.41% है। सो गाइस बता दूं लाभांश मींस डिविडेंड। ओके, ये चीज़ें क्लियर हुई। चलिए थोड़ा सा आप और भी एक आईपीओ पे नज़र डाल लीजिए। सो गाइस जिस आईपीओ के बारे में बात करनी है उसका नाम है कराना इस्पात। ठीक है, 32% का डिस्काउंट डेब्यूट हमें इसको देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैं बता दूँ उसके बारे में। देखिए कलाना इस्पात का आईपीओ आज के दिन एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो गया। कंपनी के शेयर एनएससी पे कम से कम 66 रुपये के आईपीओ प्राइस से करीबन 35% तक का डिस्काउंट के साथ 45 रुपये पे लिस्ट हुए। लगभग 45 रुपये पे आप देख सकते हो ये लिस्ट हुए। 31 मोटा मोटा लगा 35% तक के डिस्काउंट के साथ का 66 रुपये का इसका इश्यू प्राइस था। हालांकि लिस्टिंग के बाद इसमें 5% तक का अपर सर्किट भी लगा है। यह शेयर लगभग 47.40 रुपये के इंटरडे के हाई पर पहुंच गया है और वही मॉर्निंग में 10:15 के आसपास अगर बात की जाए मोटा मोटा तो ये सिर्फ बाय क्वांटिटी 3,44,000 थी जबकि सेल क्वांटिटी 0 थी गाइस इसके अंदर। ये चीज़ बड़ी अच्छी देखने को मिली। ठीक है गाइस, और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँ, पता क्या है कि 32.6 करोड़ रुपये का आईपीओ है। पूरी तरह से ये 49.4 लाख शेयरों का एक फ्लैश इशू है। 3 दिनों में इशू को 60 गुना सब्सक्राइब किया गया है, कहता है 60 टाइम सब्सक्राइब किया गया। कंपनी के आईपीओ को सबसे अधिक रिटेल निवेशकों ने दाव लगाए थे। रिटेल कोटा से 74.26 गुना टाइम्स मतलब सब्सक्राइब किया गया। वहीं अगर आप कहो गैर संस्थागत मतलब उनसे 40.65 टाइम्स सब्सक्राइब किया जो अदर कैटेगरीज के अंदर आते हैं। ठीक है, कंपनी की स्पेशली जो एक मेन पर्पस है क्या योजनाएं देखने को मिल रही है मैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो आप देखिए मौजूदा इक्विटी शेयर इशू का लक्ष्य है टीपीएसएटी संरचना के साथ 4 मेगावाट डीसी और 3.5 मेगावाट एसी ग्राउंड माउंटेड और सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना के लिए पूंजीगत खर्च समेत कई उद्देश्यों का फाइनेंस करना है। इसके अलावा कंपनी की योजना सर्वर तालुका सानंद मोजे कला गांव अहमदाबाद में एक रोलिंग मिल स्थापित करने में निवेश करने की है जिसमें एक औद्योगिक सेट का निर्माण उपकरण और मशीनरी की खरीद और अन्य संपत्तियां शामिल होंगे। आय का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। कलाना इस्पात MS के निर्माण में सक्रिय है। विभिन्न ग्रेडों में बिल्ड्स और मिश्र धातु इस्पात बिल्ड्स कंपनी 2 प्राथमिक वैश्विक क्षेत्रों के माध्यम से काम करती है। प्रोडक्शन की बिक्री और सेवाओं की बिक्री देखी जाए तो लगभग देखिए मतलब ठीक ठीक हमें देखने को मिलती है। बाकी गाइस मैं आपको ये कहूँगी कि स्टडी करके चेक करके ही आप इसमें इन्वेस्ट करके चलिएगा। हाँ लिस्टिंग के बाद गिरा बट काफ़ी अच्छा चढ़ा भी है तो आप उसके अकॉर्डिंगली स्टडी करके चल सकते हैं। बाकी गाइस को स्टडी करो चेक करो इन्वेस्ट करो। चैनल पर नहीं हो तो लाइक करना मत भूलना। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।